सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 14 दिनों से जारी भीषण जंग के बीच में गुड न्यूज़ के संकेत मिल रहे हैं, यानी रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई थम सकती है, क्योंकि जिस नाटो के दम पर जेलेंस्की उछल रहे थे उस नाटो से अब उनका मोह भंग होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूसी हमले के बाद यूक्रेन की मदद के लिए ना तो नाटो सेनाएं आगे आई और ना ही नाटो में शामिल करने के लिए उन्हें किसी तरह का कोई भरोसा या आश्वासन मिला। और रूस भी चाहता है कि यूक्रेन खुद को गुटनिरपेक्ष देश घोषित कर दे, और अगर ऐसा होता है तो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही लड़ाई पर विराम लग सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 14 दिनों से भीषण लड़ाई चल रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों देश सीजफायर पर सहमत हो जाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की कोशिशों का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के रुख में भी नरमी आई है। तो देखिए, इस लड़ाई का सिर्फ एक ही मसला है, एक ही सलूशन है, और वो है बातचीत। लड़ाई से कोई सलूशन नहीं होता है किसी भी लड़ाई में। लड़ाई सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स का जरिया होता है, लेकिन फाइनल सलूशन होता है बातचीत। और बातचीत के लिए जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं, जैसे मोदी साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल हैं या फ्रांस हैं या चाइना का भी मेरे को पता है वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो जितने भी लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैसेज दोनों को ये जाता है कि लड़ाई किसी को पसंद नहीं है, इसको रोकिए। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि आप दोनों पुतिन को और जेलेंस्की को आपस में बातचीत करिए, तो हो सकता है ये सारा, देखिए, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रेशर होता है। और जब सब लोग बोलते हैं, जैसे एक अमूमन घरेलू ज़िंदगी में देख लिए कि आप देखते हैं कि दो तीन लोग लड़ रहे हैं, तो कोई लड़ाई को पसंद नहीं करता कि उसको चलते दो, जितने भी लोग नज़दीक होते हैं सब बोलते हैं यार लड़ाई को ख़त्म करो। वहीं पश्चिमी देशों से अपेक्षा के मुताबिक मदद नहीं मिलने और रूसी सेना के कीव के बेहद करीब पहुंचने से भी जेलेंस्की काफी परेशान हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो नेटो में शामिल होने की अपनी जिद छोड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के बेहद कड़े प्रतिबंधों से परेशान पुतिन के तेवर में भी नरमी देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ उनके बयान देखें तो वो बड़े हताशापूर्ण बयान है, स्पेशली वेस्ट को और अमेरिका को लेकर। और उसका कारण ये है, क्योंकि कोई भी जो उनसे अपेक्षाएं थी, चाहे वो नो फ्लाई जोन इन्फोर्स करने की हो नेटो से, चाहे उनको मिलिट्री एयरक्राफ्ट मिलने की उम्मीद हो पोलैंड से, वो सब धराशायी हो गई हैं। और उसके बाद एक हताशा जो है वो जेलेंस्की के बयानों में उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है, और यही एक कारण है कि वो उनका जो रुख है, चाहे वो क्रीमिया और डोनबास को लेकर हो, चाहे नेटो की मेंबरशिप के लिए ना अप्लाई करने को लेकर हो, चाहे बातचीत को लेकर हो, हम देख रहे हैं कि उसमें काफी नरमी आई है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर को लेकर चल रही बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजरायली अधिकारियों का यह बयान उस वक्त आया है जब प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट जेलेंस्की और पुतिन से कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि बेनेट के जरिए ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत हो रही है। दरअसल इजरायल के यूक्रेन और रूस दोनों से ही बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यही वजह है कि इजराइल रूस और यूक्रेन दोनों के बीच सुलह कराने की कवायद कर रहा है। देखिए, यहाँ की आवाम ने युद्ध को बहुत करीब से देखा है, यहाँ के लोग बहुत ही वीर हैं, इसमें दो राय नहीं है। हमने पिछले करीब 20-22 दिनों से देखा है किस तरह यहाँ की आवाम उठ खड़ी हुई, क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे इस देश की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। लेकिन केवल हौसले से जंग नहीं जीती जाती, घर के घर तबाह हो रहे हैं, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, जिंदगियाँ तबाह हो रही हैं। और किस वजह से? केवल एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की वजह से, उस अमेरिका के लिए जिस अमेरिका ने साथ नहीं दिया, उन पश्चिमी देशों ने जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हाँ हम लड़ाकू विमान देंगे लेकिन हम जर्मनी में जाके खड़ा कर देंगे और हमको क्या मिलेगा, ये सब रियलाइजेशन अब यहाँ आ रहा है लोगों में। लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग मृत्यु नहीं चाहते।
इजरायली अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि पुतिन और जेलेंस्की के रुख में लगातार नरमी देखने को मिल रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन के डोनबास इलाके से सैनिकों को हटाने पर सहमत हो गया है। वहीं जेलेंस्की ने भी कहा कि वह अब यूक्रेन को नेटो में शामिल होने पर जोर नहीं दे रहे। ये इस बात का संकेत है कि इस विवाद का जल्द ही राजनयिक समाधान हो सकता है। यहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैं घुटनों के बल बैठकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो की सदस्यता के लिए नहीं जाना चाहता, तो वो भी बहुत फ्यूरियस बैकपेडलिंग कर रहे हैं, वो भी अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। लेकिन क्या ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए काफी है या हमले जारी रहेंगे? पुतिन सीजफायर को लेकर भी लचीला रवैया अपना रहे हैं और यूक्रेन के 6 शहरों में सीजफायर का ऐलान किया है, जिससे वहां फंसे लोगों को निकाला जा सके। लेकिन रूस ने यूक्रेन के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसे जेलेंस्की के लिए स्वीकार करना आसान नहीं। हालांकि गुड न्यूज ये है कि पुतिन के प्रस्ताव में यूक्रेन में शासन का बदलाव शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, वो यूक्रेन को उसकी संप्रभुता देने के पक्ष में भी है। देखिए, ऐसा है कि पुतिन की एक सबसे बड़ी जो डिमांड है वो यही है कि यूक्रेन जो है वो न्यूट्रैलिटी का रुख जो है अख्तियार कर ले, यानी कि जो यूक्रेन का डिमांड है कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है, इस परस्यूट को वो छोड़ दे, और इसी के लिए ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए कि जिस तरह से रूस ने इस सारी चीज़ों को अंजाम दिया है, वो अभी तक काफ़ी फ़र्क है दोनों आर्मीज़ की कैपेबिलिटीज़ में। रूस की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पर बावजूद इसके वो एक फुल स्केल ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च नहीं कर रहे हैं। फुल स्केल जिसको हम कहते हैं कि पूरी की पूरी जो रशियन जो ताकत है उसको नहीं झोंक रहे हैं, क्योंकि वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन चाहते नहीं है यूक्रेन का। वो बेसिकली ये चाहते हैं कि यूक्रेन एक बेलारूस की तरीके से एक बफर स्टेट बन जाए, क्योंकि रूस के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। वहीं यूक्रेन की फर्स्ट लेडी यानी राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोग कभी हार नहीं मानेंगे और हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए हमले पर भरोसा करना असंभव था। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब दोराहे पर खड़े हैं, जहां से उन्हें एक विकल्प चुनना होगा। हालांकि रूस का प्रस्ताव स्वीकार करना बेहद कठिन है, वहीं जेलेंस्की अगर इसे मान लेते हैं तो यूक्रेन की संप्रभुता बनी रहेगी और युद्ध भी रुक जाएगा। लेकिन अगर जेलेंस्की रूस के प्रस्ताव को खारिज करते हैं तो इसे युद्ध और भयानक होगा, जो खुद जेलेंस्की और यूक्रेन के लिए महाविनाशक हो सकता है। फिलहाल ये फैसला जेलेंस्की को करना है कि वो यूक्रेन को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। यूक्रेन के कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में अभी भी हजारों लोग यूक्रेन के कई शहरों में फंसे हुए हैं, लिहाजा रूस और यूक्रेन 6 शहरों में सीज फायर पर राजी हो गया है। इसके बाद ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश भी की जाएगी। और यही नहीं, सुमी में करीब 700 भारतीय छात्र फंसे हुए थे जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया और अब उनकी वतन वापसी की तैयारी की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच रूस ने एक बार फिर से सीज फायर का ऐलान किया है। रूसी फौज ह्यूमन कॉरिडोर बनाकर लोगों को निकालने के लिए तैयार है। ये रूस अभी 4 इलाकों से लोगों को निकलने की अभी भी इजाजत दे रहा है, यानी रूस का संदेश यह है कि जितने नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, जो लोग युद्ध में शामिल नहीं है, वो जल्द से जल्द इन इलाकों को छोड़ दे। और उसी का फायदा उठाते हुए लगभग 700 भारतीय छात्र छात्राएं सुमी से निकल गए थे। खार्किव से हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं, ट्रेन से निकलने का उनका मतलब ट्रेनों में जगह नहीं है, इतने ज्यादा लोग निकल रहे हैं। और यही हाल मारियोपोल से भी हो रहा है और कीव से भी हो रहा है। हालांकि सीजफायर का ऐलान उस वक्त हुआ है जब रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगा रहे थे। बता दें कि रूस ने इससे पहले सोमवार और मंगलवार को भी लोगों को शहर से बाहर निकालने के लिए सीजफायर का ऐलान किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना का आरोप था कि रूस ने ऐसा नहीं किया और कुछ देर की शांति के बाद फिर से युद्ध शुरू कर दिया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मैं पिछले 5-6 दिन से कह रहा हूँ कि कीव के ऊपर अभी हमला नहीं होगा,
और मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि हमला अगले 2-3 दिन भी नहीं होगा। कारण ये है, इसे दो मिलिट्री कारण, जैसा कि बिल्कुल साफ आपने खुद देखा है अपनी आंखों से कि इरपिन में अभी क्लियर नहीं हुआ है, इरपिन अभी जबरदस्त लड़ाई चल रही है और वहां जब तक वो क्लियर नहीं होगा, जब तक वो एक्सेस क्लियर नहीं होगी, रूस मिलिटरीली इस स्थिति में ही नहीं है कि वो फुल फ्लेज्ड ग्राउंड ऑफेंसिव कीव के ऊपर कर सके। रूस का कहना है कि कीव के साथ साथ वो मारियोपोल, खार्किव, जेपोरेजिया, चेर्निहाई और सुमी में फिर से युद्ध विराम के लिए तैयार है और वो यहाँ से लोगों को बाहर निकालेगा। वहीं गुड न्यूज ये है कि भारत ने यूक्रेन से लगभग अपने सभी नागरिकों की वापसी कर ली है। हालांकि सबसे मुश्किल हालात में सुमी में फंसे करीब 700 छात्रों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक मैनूवर होता है ऐसी युद्ध की सिचुएशन में वहां फंसे हुए सिविलियंस को सुरक्षित तौर पे निकाल के लेकर आना। तो हाँ, बिल्कुल इसमें इंडिया का इक्वेशन है या जो इंडियन लीडरशिप का इक्वेशन है रूस के साथ, यूक्रेन के साथ, और रूस का इस बात का हामी भरना कि हम एक तरह के ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को बनाएंगे, इन सब बातों का इसमें रोल है। रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग के मुश्किल हालात को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के जेलेंस्की और पुतिन से बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको बड़े पर्सनली सारे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं, जयशंकर जी भी बड़े हैंड्स ऑन तरीके से इसको कर रहे हैं, और मेरे जो कॉलीग्स बाकी मिनिस्ट्रियल थे, हम लोग अपना काम करके लौट आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बाकी जो हमारे बच्चे हैं 700 के करीब, इनको भी जल्द सुरक्षित देश में वापस लाया जाएगा। सुमी में फंसे 700 छात्रों को निकालना आसान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जेलेंस्की और पुतिन से बातचीत का नतीजा रहा कि रूस ने सीज फायर का ऐलान किया और ह्यूमन कॉरिडोर बनाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद यूक्रेन सरकार की मदद से सभी भारतीय छात्रों को बसों के जरिए सुमी से निकाल लिया गया। हालांकि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने इस मुद्दे को उठाया था। We reiterated our urgent demand for safe and uninterrupted passage for all innocent civilians, including Indian nationals remaining in Ukraine. We are deeply concerned that despite our repeated urgings to both sides, the safe corridor for our students stranded in Sumy did not materialize. Ukraine ka hawai kshetra Rus ki sainya karwai ke baad 24 farvari se hi band hai. ऐसे में भारत को अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों के रास्ते विशेष विमानों के जरिए वापस लाना पड़ा। भारत ने ऑपरेशन गंगा को रफ्तार देने के लिए अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन की सरहद से लगे देशों में भेजा था। हंगरी में हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे और पोलैंड में जनरल वीके सिंह। इन दोनों देशों में मौजूद सभी भारतीय छात्रों को देश वापस लाया जा चुका है। बता दें कि रूसी सैनिकों के हमले से यूक्रेन के ज्यादातर शहर खंडहर बन गए हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सरकारी इमारतें और आम लोगों के घर भी बर्बाद हो चुके हैं। वहीं अभी तक यूक्रेन से 16 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यूक्रेन से मोर्चा खोलने के बाद से रूस की इकोनॉमी जो है वो लगातार काफी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया और इसके अलावा 300 से ज़्यादा कंपनियों ने रूस के मॉस्को और दूसरे शहरों से अपना कारोबार भी समेट लिया। इसके अलावा अमेरिका ने रूस से तेल आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि रूस अपनी कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था को कैसे संभालेगा या फिर सुधारेगा। रूस और यूक्रेन के बीच 14वें दिन भी जंग जारी है, लेकिन इस जंग की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत पश्चिम के कई देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ साथ कई कंपनियों ने मॉस्को और दूसरे रूसी शहरों में अपने आउटलेट भी बंद कर दिए हैं। येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज्यादा कंपनियां पिछले 2 हफ्तों में रूस छोड़ चुकी हैं। रूस में अपना कारोबार समेटने वाली कंपनियों में लग्जरी वॉच ब्रांड रोलेक्स भी शामिल है।
मैकडोनल्ड, पिज्जा हट और कोल्ड ड्रिंक कोका कोला जैसी कंपनियां पहले ही रूस में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान कर चुकी हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच रहा है। हर तरीके से इन्होंने कोशिश की है कि साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट करें, तो इसका जो कितनी देर में इम्पैक्ट होगा वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अमूमन तौर पे इसका प्रभाव 2 या 3 साल तो लगते ही हैं। लेकिन रूस के पास रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि पूरा विश्व इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं कर रहा है। चाइना के साथ उनका बहुत अच्छा ट्रेड है और वो उनके इमीडिएट नेबरहुड में होने के नाते एक अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो चाइना से उनको सारा सपोर्ट मिलेगा और इनका ट्रेड दोनों नेशंस के बीच में चलेगा, तो उससे काफ़ी प्रभाव रहेगा इनके रूस के ऊपर। तो इमीडिएट मैं बोलता हूँ जो सैंक्शंस का इफेक्ट किसी को नहीं दिखेगा, तो लड़ाई में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं रूस के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर अमेरिका भी प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका अब रूस से गैस और तेल का आयात नहीं करेगा। Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at US ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in Congress and I believe in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. अमेरिका के इस प्रतिबंध से रूस की अर्थव्यवस्था और चरमरा सकती है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि यहाँ का ऑयल रोक देना एक तरह से इकोनॉमिक परमाणु युद्ध की तरह है रूस पर। दूसरी बात, बड़े बड़े वेस्टर्न कंपनीज रूस से अपनी दुकानें बंद करके जा रही हैं। तीसरी बात, यूरोप ने कह दिया है कि वो अब और तेल और ईंधन को और गैस को नहीं रोकेंगे, क्योंकि इससे उनके देशों पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये एक दुधारी तलवार है। दुनिया के अलग अलग देश थोड़ा सा बैकपेडलिंग कर भी रहे हैं इस मुद्दे पर, और रूस अब असल मायने में जब कीव के मुहाने पर खड़ा है, जब एक तरह से ये देश हार की कगार पर है, देखना ये होगा कि नेगोशिएशन से क्या निकलता है। अमेरिका के इस फैसले से चीन भड़क गया है। दरअसल अमेरिका के वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो के मुताबिक रूस की मदद करने वाली चीनी कंपनियों को भी बंद किया जा सकता है। अमेरिका के इस रवैये पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस तरह के एकतरफा प्रतिबंधों से रूस के साथ व्यापार करने वाले तीसरे पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वहीं रूस ने भी धमकी दी है कि वो यूरोपीय देशों को तेल की सप्लाई रोक सकता है। अगर रूस ने सप्लाई रोकी तो तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर रूस ने यूरोप को तेल की सप्लाई रोकी तो क्या यूरोप इस कमी को पूरा कर पाएगा। रूस के खिलाफ अमेरिका के इस फैसले ने रूस यूक्रेन जंग को एक नया मोड़ दे दिया है। अमेरिका कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के कीव से राजेश्वर पवार के साथ गौरव सावंत की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उम्मीद है कि आप सभी का दिन शुभ रहा। आपकी मंगल कामना के लिए आप सभी को रहना है सावधान भी। अभी के लिए मुझे यानी शगुफ्ता को इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।